मालूम है आप लोगों को ये गटर जो है ना दुरुस्त है, इसकी सफाई करने का काम चालू है। तो जिसकी वजह कुछ नल टूट गए, अभी नगर पालिका उसको जेसीबी कर नल लगा के बनाने का काम चालू। के मोहल्ले ले जाने नहीं दिए, पकड़ के रखी है। अच्छा। दोपहर से पकड़ के सबको यहाँ रखी है। अच्छा। और जो रोड बनाने बोले तो लोग तो मट्टी डाल के गए और खराब कर दिए, पूरा कीचड़ कर दिए, और गटर का जो कचरा निकाले वो भी रोड पे कर दिए। मालूम है आप लोगों को ये गटर जो है ना दुरुस्त है, इसकी सफाई करने का काम चालू है। तो जिसकी वजह कुछ नल टूट गए, अभी नगर पालिका उसको जेसीबी कर नल लगा के बनाने का काम चालू। कुछ लोगों का कहना है कि ये करीबन 10 साल से गटर का ना रिपेयरिंग हो रहा है ना सफाई हो रही है, उसके बारे में क्या करना? सफाई का काम चालू रहता है और रिपेयरिंग का आप लोगों को मालूम है बीच में आचार संहिता थी, अभी टेंडर वगैरह कॉल हुआ है, बहुत जल्दी है बांधकाम विभाग से काम चालू है। जो कनेक्शन टूटा हुआ है ना, इसको रिपेयरिंग करके हम दे देंगे ना पब्लिक को। पब्लिक को रिपेयरिंग करके दे देंगे ना? नहीं, ये मतलब जो टूटा हमारे आदमी मेंटेनेंस के आदमी आए हुए हैं, वो देख रहे हैं और जैसा भी जो रहेगा वो आगे ऊपर पटना से डिस्कस करके करेंगे काम वैसा आगे। अभी जो सफाई के दौरान में इतने पे जो पाइप टूटी है, आगे पानी जमा था, जेसीबी वाले ने जेसीबी लगाया उसको समझ में नहीं आया। ये जो गटर साइड से गई है सब साइड में पाइप गया है, जेसीबी वाले को समझ में नहीं आया, जेसीबी वाले उखाड़ दिया। महानगर पालिका के सब जो आए इंजीनियर आए सफाई इंचार्ज आए वो बना के देंगे। तो आप ही क्या कहना चाहोगे, मतलब कि ये जो इतने जो टूटा हुआ है तो ये लापरवाही आखिर किसकी है, किस भी? वो जेसीबी वाले देखो काम कर रहा है, वो जब गटर के अंदर नल था वो जेसीबी ने उसको जब सफाई करने लगा तो उखाड़ दिया। अब किसकी लापरवाही क्या बोलेंगे, अपने काम करके मतलब है। महानगर पालिका के अधिकारी बोले ना कि हम जुड़वा के देते हैं। बगल में एक स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे ये रोड से निकलते हैं, ये रोड पे इतने कचरे ढेर जमा हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं तो सफाई करते ही है ना, अभी ये बारिश की वजह से पूरा ये जो अपना मकान टूटा है और इतनी बड़ी आबादी है, कचरा वहाँ रहता है रोड पे आ गया है, सफाई होती है बराबर। अभी कुछ लोगों का कहना इधर है कि ये जो गटर है इसकी सफाई करीबन 10 साल से नहीं हो रही है और ये रोड इसी तरह से पड़ा हुआ है। आप जो संबंधित नगर सेवक है उससे पूछ लीजिए, मैं तो उधर बाजू में हूँ भाई, इनकी मोहब्बत में आ गया, यहाँ पर जो यहाँ पे है जो मेरे लोग उनकी मोहब्बत में आ गया, जो संबंधित नगर सेवक है या संबंधित अधिकारी उनसे पूछिए। बाकी महानगर पालिका बना के दे रही है नल का कनेक्शन। कहता हूँ मैं गणपति से पहले सचिन नायक साहब को फोन किया था, फोन करके मैं बोला बाजू में अलहमदो स्कूल है और सामने मस्जिद का गेट है और छोटे छोटे बच्चे जो इधर से आते जाते हैं और गाड़ियाँ भी आती जाती है, खड्डा बहुत बड़ा बड़ा हो गया, इसको आप जल्द से जल्द काम करवा के दे दो। तो बोले ठीक है, आप दो चार दिन का वक्त दो, सामने गणपति है उसको लेके हम लोग बिजी है, गणपति बात हम कराएंगे। उन्होंने कल जो है हमारे बोलने पे सचिन नायक साहब ने एक अधिकारी को भेजा था, दो तीन डफर वो गिट्टी मट्टी गिरा के उसको पाटा था, सही हो गया था, लेकिन ये महानगर पालिका के जो अधिकारी है साफ सफाई डिपार्टमेंट के, इनकी लापरवाही की वजह से पूरा नल कनेक्शन टूट गया है और ये पूरा रोड में दलदल हो गया है, ये जो अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभाते नहीं है। तो अभी आपने कल यहाँ पे मिट्टी डलवाए थे, तो आप पे के कहने पे तो क्या नाले के गटर की सफाई के लिए अभी बाद में बोले थे? नहीं, मैं गटर की सफाई के लिए नहीं बोला था, मैं सिर्फ भरनी करने के लिए बोला था कि रोड रास्ता एकदम खराब हुआ है, बाजू में स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे आते जाते हैं, इससे पहले एक दो महिला लोग एक्टिवा गाड़ी लेके गिर गए है, वो देखते हुए मैंने जल्दी से जल्दी बोला ये काम को आप करा के दो। तो उन्होंने हमारी बात को सुना और काम कराया उन्होंने, इसमें कोई इनकार नहीं, कल भरा के दिया, लेकिन आज इनकी लापरवाही से ये पूरा रोड नहीं दलदल हो गया है।
और यहाँ सफाई के दौरान, तो क्या कहना चाहूँगा? बस यही कहना चाहेंगे कि जैसे टूटी है वैसे बनवा कर दो और रोड को भी थोड़ा अच्छा कर दो। यहाँ पे कचरा फेंकते बारिश की वजह से, पानी से 10-12 साल से गटर पूरी खुली हुई है, गटर की फोटो तो आप ले लियो, और उसके बाद फिर पूरा कचरा फेंकते हैं, कचरे से गंदगी रोड पे आती है, बच्चे लोग आते हैं स्कूल के, यहाँ कोई काम करने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है क्या है क्या नहीं है, फोटो वीडियो भेज भेज के भेज के आप पे रहते कहाँ पे? ये सामने हमारा घर है। तो आपके भी बिल्डिंग का पाइप टूटा है? बहुत दिन से टूटा है, पूरा कारखाने का पानी का पाइप टूटा है, बिल्डिंग का टूटा है, पूरे एरिया का टूटा है, और सेकंड चीज पानी आता ही नहीं है। कितने दिन से ये समस्या है? ये तो 10 साल से गटर खुली हुई है, गटर बंद ही नहीं कर रहे, रोज कंप्लेन करो सफाई के लिए, इसके लिए उसके लिए। आज आए हैं तो जेसीबी लेकर आके पूरा सत्यानाश कर दिए और कीचड़ वगैरह निकाल के सब रोड पे फेंक दिए। अभी अधिकारी बोल रहे हैं कि हम बना करके देंगे। बना कर दो अच्छी बात है, रोड भी बना कर दो उसके साथ साथ। आप क्या करना चाहोगे? बना के दे रहे कि मोहल्ले ले जाने नहीं दिए, पकड़ के रखी है। अच्छा। दोपहर से पकड़ के सबको यहाँ रखी है। अच्छा। और जो रोड बनाने बोले तो लोग तो मट्टी डाल के गए और खराब कर दिए उन लोग, पूरा कीचड़ कर दिए, और गटर का जो कचरा निकाले वो भी रोड पे कर दिए उन लोग। हम ये कहना चाहते हैं, हमारा भिवंडी म्युनिसिपैलिटी है, आपको लगता है भिवंडी म्युनिसिपैलिटी है? हाँ। आप रहते कहाँ हो पहले? नहीं, हम यहीं रहते हैं, हमारा घर ये है। अच्छा, तो आपके भी घर का नल टूटा हुआ है क्या? हमारे घर का नल टूटा हुआ है। अच्छा, अभी टूटा हुआ है। अच्छा, अभी क्या करना चाहोगे ये रोड के बारे में और जो सफाई नल टूटा हुआ? हम सफाई, अब जो गलती हो गई उसका परिणाम हमको चाहिए। अच्छा। सामने वाला भर रहा है, बात खत्म हो गई। हाँ, वो तो भर के दे। ये बोलता जा रहे हैं कि ये जेसीपी से क्यों खोदवाते हो, इंसानों से खोदवाओ। पहले तो वो गटर है ही नहीं प्रॉपर गटर है ना, ढक्कन है ना कुछ है, इतने मच्छर आते हैं पानी हमारे गटर, यही मस्जिद है हमारी सामने, हम यही गटर में नहा के निकल के फिर जाते हैं। अच्छा, यहाँ के पैर में हमारे कचरा लगता है? अच्छा, यहाँ के जो यहाँ पे हमारे पैर में कचरा लगता है काई के लिए? यही कचरा, यही गटर, यही हमारी मस्जिद है। अच्छा, इतने लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, अधिकारी भी है और कुछ जिम्मेदार, लेकिन ये वार्ड के कोई जिम्मेदार आदमी यहाँ नहीं है मौजूद, इसके बारे में अब हम क्या कर सकते हैं? कोई जिम्मेदार बनता ही नहीं है तो क्या करे, कोई को बनना चाहिए ना। अब इलेक्शन होगा, जो उम्मीदवार अच्छे होंगे उनको देंगे वोट। तो अभी फिलहाल में कौन है? अभी तो आचार समिति है ना, कोई नहीं है ना फिलहाल, अभी जो थे तो थे, अभी कोई नहीं है तो हम किसके ऊपर उंगली उठाए? करंट वाली बात बता रहे हैं, अब जो हमारी मदद करेगा कोशिश करेगा उसका मोड़ देंगे।